मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। वैसे गुड मॉर्निंग तो किसी भी एंगल से नहीं है, आफ्टरनून हो चुका है। वैसे तो आज मैं सुबह सुबह तैयार हो गई थी, तो जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है वो मुझसे रिलेट करेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहन ने इस स्वेटर के अंदर बड़ी सी स्टोरियां डाली थी मॉर्निंग में, है ना। तो मैं जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं सुबह सुबह तैयार हो गई थी अबीर को स्कूल भेजकर, लेकिन फिर बहन को लगा कि बहन का कोल्ड वापस आ रहा है, तो बहन ने अपने आप को स्लो डाउन कर लिया और कोल्ड वापस आ चुका है। मैं क्या करूं यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है। एनीवे, मैंने इस कोल्ड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और मेरे को इसकी परवाह ही नहीं है। सच में यार थक गई हूँ मैं भी, खांसी दोबारा से शुरू हो गई है, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। हम भी तो ज़रा सा ठीक होते हैं, चाइनीज खा लो, छोले भटूरे खा लो, है ना। क्या एनीवे, कल तो मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग थी, बहाना था कि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, अब मन हो रहा है। सौरभ ने तो बहुत मना किया था, कोई जरूरत नहीं चाइनीज वाइनीज लाने की, लेकिन सुनते नहीं है ना हम लोग, है ना। सुनना तो हमने है नहीं पति की, तो खाओ चाइनीज बैठ के, चाइनीज ही बन गई हूं मैं। एनीवे गाइस, तो बस ब्लॉग की एडिटिंग खत्म करी, थोड़े बहुत काम वाम करे, अब बज रहे हैं शाम के 3 और सूरी साहब ने कहा है कि वो पूरे 4:15 बजे फ्री हो जाएंगे अभी को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि उनकी फिर 6 बजे दोबारा कॉल्स हैं, तो वो अपना कीमती समय हमें 4:15 बजे देंगे जब मैं और सूरी साहब मिलकर जाएंगे उसके स्कूल। आज उसका फ्रेंड भी आ रहा है घर पे, तो आज प्ले डेट है अभी की, और करते हैं फन उसके साथ मिलके। मैं कर रही हूँ अपने डूबे वगैरह चेंज, जो मेरा फेवरेट काम है। बहुत ही जल्दी जल्दी में आपकी बहन बैठी है गाड़ी में, आधी जैकेट पहनी हुई है, आधी जैकेट नहीं पहनी हुई है। दोबारा से बोलती हूँ मैं, तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बैठी हूँ गाड़ी के अंदर, आधी जैकेट पहनी है, आधी जैकेट नहीं पहनी। मुझे लगता है हम सब जितनी भी लड़कियां हैं ना, स्पेशली जिनके बच्चे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, बताना कमेंट्स में, हम लोग जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना, मुझे लगता है कोई नहीं बैठता होगा। हमारे हाथ में एक तो 1000 चीजें होती हैं जब हम गाड़ी में बैठते हैं। मैं सोच रही थी इस पे एक रील भी बनाने की, 1000 चीजें होती हैं हमारे हाथों में, फिर हम गाड़ी का दरवाजा जैसे तैसे खोलते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उस गाड़ी को हम ही चलाकर जा रहे होते हैं, और हमारी यू नो हमारी लैप के ऊपर इतनी चीजें पड़ी होती है। मैं तो हूँ, चला तो रहा हूँ गाड़ी। नहीं वैसे मैं बता रही हूँ, मेरा ना वैसे मैं जब अकेले भी होती हूँ तो भी मेरा ये हाल होता है, आधी जैकेट डाली हुई है, आधी नहीं डाली हुई, शू के लेसेस बांधे हुए हैं, आधे वहीं जाकर स्कूल के बाहर ही बांध लिए, पता नहीं कौन सी हपड़ा तबड़ी में होते हैं हम। एनजी की कह रहे हो, ये गाड़ी रख लेते हैं, देखो यार फ्रेम के लिए दिना बाद आया। नहीं नहीं, ये गाड़ी नहीं रखनी, गाड़ी इस गाड़ी में भैया 2 बंदे पीछे बह ही नहीं पा रहे। पता नहीं समझ नहीं आता लोग 2-2 कार क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत पैसा होता है। हाँ सीरियसली आई थिंक सो। तो मेरे को 2-door कार तो वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें बैठने की बड़ी दिक्कत रहती है। एनीवे, हमारी जो नई गाड़ी है, हमने तो सोचा था आज के ब्लॉग का टाइटल होगा गुड न्यूज है आपके लिए, लेकिन वो गुड न्यूज कुछ ही पलों में बैड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डिले गुड न्यूज हो गई है। तो हमारी गाड़ी आनी थी अगले हफ्ते, लेकिन अब उनका मैसेज आया है कि हम आपको बताएंगे। भैया गाड़ी बना रहे हो, ताजमहल बना रहे हो, हद हो गई है यार, पैसे दिए हमने, पेशेंस लूज हो रही है मेरी, सच में मेरे भी पेशेंस लूज हो रही है। तो जो गाड़ी है ना वो वायसी आती है ना, तो डिलेड ऑन द पोर्ट, तो पोर्ट में डिले है, तो पोर्ट पे पहुंच चुकी है, वहाँ के पोर्ट में है ना, अभी तक सी के ऊपर नहीं है, इट्स नॉट ऑन द वाटर, इट नीड्स टू बी ऑन द वाटर। मुझे हंसी आ रही है, मतलब की गाड़ी का नहीं, ऐसा लग रहा कोई पार्सल आने वाला है। डिलीवरी दोबारा से डिले हो गई है, अभी वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको होपफुली वो अगले वीक एंड तक हमारे पास आएगी, जब हमें पिक कर रही थी गाड़ी को, तो अब देखो क्या होता है। तो जो हमारी पिछली वाली कार थी, जो 3 सीरीज थी, बड़े सारे लोगों ने कल के व्लॉग में पूछा है, तो वो वाली गाड़ी हमने एक्सचेंज कर ली है। तो बेसिकली पार्ट एक्सचेंज वाली जो डील होती है वही होता है ना, ठीक बोल रही हूँ ना मैं, या मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो हमने वही वाली डील ली है, तो उन्होंने हमारी गाड़ी ले ली और हमें वो नई गाड़ी दे देंगे, और फिर यू नो आप सबको पता ही है। तो हमारी गाड़ी डिले हो रही थी और हमारी 3 सीरीज के पैसे गिर रहे थे, तो हमने कहा हेलो हम कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, चुपचाप गाड़ी लो, गाड़ी तुम डिले कर रहे हो नई वाली, तो ऐसे नहीं बोला, मैं आराम से बात करी, तो उन्होंने हमारी वो वाली गाड़ी ले ली है,
अब हम नई गाड़ी का वेट कर रहे हैं। जब तक नई गाड़ी नहीं आती है, ये BMW की जिम्मेदारी है कि वो हमारे पास एक गाड़ी अवेलेबल करा कर रखे। तो उन्होंने पहले हमें वो दूसरी वाली BMW दी थी, वो कौन सी सीरीज थी? वो 1 सीरीज थी। अब उन्होंने हमें ये वाली गाड़ी दी है जो हमने कल के ब्लॉग में आपको दिखाई है। तो बस यही चल रहा है भैया गाड़ी को लेकर। एनीवे अभी हम पहुंच चुके हैं अबीर के स्कूल के बाहर, तो अबीर और डारियो दोनों को लेते हैं और पहुंचते हैं घर पर। 2050 या मे बी हैव टू इंसर्ट द कार्ड, सम टाइम आई कॉन्टैक्ट लेट्स डजंट वर्क राइट नाउ। थैंक यू। मैं आ गई हूँ अपनी वही फेवरेट जगह पे जहाँ का पिज्ज़ा आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो यहाँ का पिज़्ज़ा एकदम फ्रेश होता है और बहुत स्वाद होता है। तो मेरे बेटे की डिमांड आई थी कि आज उसकी जब प्ले डेट है, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद भैया प्ले डेट कर रहे हैं, तो वो अपने दोस्त के साथ बैठ के पिज़्ज़ा इन्जॉय करना चाहते हैं, पिज़्ज़ा पार्टी करना चाहते हैं। तो मैंने दोनों लड़कों के लिए एक एक मार्गरेटा पिज़्ज़ा ले लिया है। तो बस मुझे पता है आज तो उसको स्कूल में उसको चैन ही नहीं आ रहा होगा कब मम्मी आए, कब मैं अपने दोस्त के साथ घर जाऊँ। तो इनकी ना ये प्ले डेट्स होती रहती हैं स्कूल के बाद, कभी ये किसी के घर चला जाता है, कभी हमारे घर पे कोई आ जाता है। लेकिन इस बार हम प्ले डेट बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से हमने प्ले डेट करी नहीं है। तो इस बार डारियो आ रहे हैं हमारे घर, फिर ये जाएगा एक बार डारियो के घर, एक चेन चलती रहती है प्ले डेट्स की। डैडी इज़ ऑर्डरिंग कॉफ़ी फॉर हिमसेल्फ। तो हमारे पिज़्ज़ा रेडी हो गए, लेकिन मैं शायद उनको बताना भूल गई थी कि टेक अवे ऑर्डर है, तो वो बॉक्सेस लेकर आ रहे हैं। लुक्स नाइस। आज मैंने ब्लॉग ही बहुत लेट शुरू करा है, गाड़ी में से शुरू करा था। कैसे हो आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मम्मी गई अंदर, वो अभी आया ना अपने दोस्त के साथ, डारियो के साथ। तो मैंने उसको हेलो बोला, उसने हाँ जवाब दिया, तो मैंने कहा हाउ आर यू, आई एम गुड। तो फिर अपने आप चला शुरू हो गया। मम्मी का अभी कह रहे हैं मेरी ग्रैंड माँ को इंग्लिश नहीं आती, तो ग्रैंड माँ यू गो। बदतमीज है अभी। Oh, what is this? You. तो दोनों बच्चों ने अपना पिज़्ज़ा खा लिया है, लेकिन मैं इनके लिए डिनर में, क्योंकि पिज़्ज़ा तो मुझे लग रहा है एज अ स्टार्टर था, इतने भूखे थे दोनों स्कूल से आए थे, तो मैं डिनर में बना रही हूँ इन दोनों के लिए वेजिटेबल पास्ता। तो बस पास्ता बॉईल करने रख दिया है कैरेट और पीस के साथ। हाँ जी जी, सो मज़ा आया अपने प्ले डेट पे? Had so much fun. Me and Dario traded some Pokemon cards, and we played a whole Pokemon game, and we watched Mr. Beast together, and we ate pizza, and yeah. Very good, very good. तो डारियो अपने घर चला गया है, और हमारे डारियो कर रहे हैं हमारे साथ किचन साफ। अभी क्या आ गया ना? बस ये बंदा ही मिलेगा। ये बंदा बहुत प्यारा है वैसे। मुझे तो ये मैं लगा सकता हूँ फ्रिज में? I'm allowed. बहुत बोलते हैं, तो जैसे मैं फोन ऑन करती हूँ ना, आप लोग जैसे वो नहीं होता मायके वाले आ जाते हैं, तो बहू एकदम से वो ऐसे करने पड़ती है, मम्मी जी ये कर लूँ, मम्मी जी वो कर लूँ, इसका वही हिसाब है। ऐसे लगता है कि आप इसके मायके वाले हो, जैसे मैं फोन ऑन करती हूँ ऐसे पूछने लगता है। मेरे से तो हर काम पूछ पूछ के किया जाता है। हाउएवर हमारा पास्ता बन गया था, बच्चों ने खा भी लिया, जा रही हो तो अपने साथ घर भी लेकर गया है। अच्छा मैं आप सॉरी आपको दिखा नहीं पाई, पर जल्दी जल्दी मैं पास्ता बनाया, जल्दी जल्दी बच्चों ने खाया, जरा सा बचा है फ्रिज के अंदर, अब क्या ही दिखाऊं मैं आपको। पर किसी दिन आराम से देंगे आपको रेसिपी। वैसे तो मैं पास्ता की रेसिपी बहुत बार दे चुकी हूँ। अभी कर रहे हैं हम किचन विचन साफ, और मम्मी जी हमारी ऊपर चली गई है, मम्मी के साथ भी ब्लॉग कुछ खास नहीं बनाया। मैं कर रहा हूँ किचन साफ। गाइस मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं सारे जूते साफ कर रहे हैं, लॉन्ड्री रूम वाला वो कर रही हूँ। मैं बताना शुरू कर दूँ अपनी लिस्ट दे दूँ उनको? ये कहाँ रहते हैं? देखो हर कम पूछ के रहते हैं। आप लोग बता दो कमेंट्स में मैच बॉक्स कहाँ जाना चाहिए, तुम बताओ कहाँ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी अब दोस्त गया ना, अब आपको वैल्यू समझ में आई है ग्रैंड माँ की। पहले आप आ ही नहीं रहे थे ग्रैंड माँ के पास। आपने लूडो क्यों नहीं खेली अपने दोस्त के साथ ग्रैंड माँ के साथ? अभी बताइए लूडो खेल रहे हैं, क्या खेल कर रहे हैं? I'm putting my new wallpaper. Look what I picked. So then I'm just gonna go with some games. Okay, right. Okay. Look at this. Look. I go dun dun dun. Dun. Very nice. Look at this. I can add all of this things here. Oh, and lovely. Look what's gonna happen. I add says wallpaper there. Did it?
And now if I close my iPad, I've got all of this here. Can you please sit down here, beta? बैठ कर खेलो अभी. बैठ जा बेटा. चलो आप लोग खेलो लूडो, मैं जाती हूँ करती हूँ बाथरूम क्लीन. आप लोग हैरान हो रहे होंगे एकदम से मैं गाड़ी में कैसे आ गई और मम्मी मेरे पीछे बैठी है. हाँ जी जी नमस्ते जी. नमस्ते जी. तो हम लोग एकदम सूरी साफ भी है यार, मतलब कि ऐसी एंडिंग व्लॉग की मुझे लगता है बहुत कम होती है. पर कल मैं व्लॉग का एंड करना भूल गई, बड़े सारे काम थे. अबीर का वो मैच के लिए प्रिपेयर होना था, मुझे नहीं होना था, मुझे उसका बैग प्रिपेयर करना था. सो आई कुडंट एंड द व्लॉग. तो अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं यू नो सबके साथ मिल के व्लॉग का एंड कर दूं और आप लोगों को एक खुशखबरी बता दूं जिसके लिए मैं अभी नहीं, अभी नहीं बता देंगे, अगले व्लॉग में बता दें, अगले व्लॉग में बता देंगे, अभी आज गाइस देखो मैं बताना चाहती हूं लेकिन आप भी कह रहे हो अगले व्लॉग में बताएं. हां जी हां जी. उसका रीजन, उसका रीजन ये है कि हम आराम से बैठ के बताएंगे ना, गाड़ी में नहीं बताएंगे. अच्छा चलो ठीक है. तो गाइस कल के व्लॉग का आपको इंतजार करना पड़ेगा. मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था ये क्लिप मैं रिकॉर्ड करूंगी और आपको गुड न्यूज दूंगी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा बिकॉज आई रियली रियली वांट टू शेयर विद यू ऑल. ऐसे करिए थे हम ही हैं कल्प्रिट यहां पे. नहीं तुम कल्प्रिट नहीं हो, मुझे पता नहीं था ना कि तूने ये सोचा हुआ है, तूने एकदम से बोल दिया. कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं. चलो कल के व्लॉग में हम आपसे मिलते हैं. ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा था बट अब आप देख सकते हो पूरी सूरी फैमिली वापस आ चुकी है फॉर्म में, है ना. अब हम जा रहे हैं. ठीक हो तबीयत, ठीक है आपकी? बिल्कुल 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 ना. तो पूरी सूरी फैमिली वापस आ चुकी है. अब हम जा रहे हैं अबीर के रग्बी मैच पे. तो रग्बी मैच देखने जा रहे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड. और आज हमने ब्लॉग सुबह ही शुरू कर दिया था तो कल के ब्लॉग में तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. बाकी सूरी साहब हमारे चमक चले हैं, हम आपसे भी मिलते हैं. लुक आफ्टर योरसेल्फ. सूरी को ना ब्लॉग एंड करना है क्योंकि मुझे जाना है, मेरा बेटा वेट कर रहा है. चलो जी मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. कल के ब्लॉग में हम आपको अपनी गुड न्यूज भी दे देंगे. बाय.